दृष्टि का जो निर्माण है वो हमारे दृष्टि के परिवर्तन में है, एटीट्यूड्स जिसको हम कहते हैं, हमारे माइंड के जो एक देखने का तरीका है, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण बदलेंगे तभी दृष्टि बदलेगी, दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे तो दृष्टि भी नहीं बदलेगी। तो वो जिसको इनसाइट कहते हैं, हम अपने ज्ञान में भी वही कई दफा बाबा कहते हैं इनसाइट, अंदर में हम क्या देखते हैं, हमारा अंतर मन क्या देखता है। अब हम शिव बाबा की याद में बैठते हैं तो जब हम परम धाम को देखते हैं, ब्रह्म तत्व देखते हैं, वहां शिव बाबा को देखते हैं इत्यादि इत्यादि, तो हमारी स्थिति तभी तो वैसी होती है। कुछ भी नहीं देखता हो कोई व्यक्ति बैठे हुए, ऐसा तो होता नहीं। अनुभव में भी कुछ न कुछ तो वो सूक्ष्म रूप से देखता ही है। तो देखना हमें क्या चाहिए, देखने का प्रभाव है, जैसे मैंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग इज सीइंग, सीइंग इज अंडरस्टैंडिंग। ये देखना और अंडरस्टैंड करना वास्तव में ये एक प्रकार से सिनोनिमस, ये एक प्रकार से एक ही अर्थ को लिए हुए हैं। तो जब ऐसी बात है तो अपने अभ्यास में ऐसे चित्रों को भी अगर हम प्रयोग करें तो हम बहुत वो सहज रूप से उस अनुभव में स्थित हो सकते। तो और जब कभी कोई व्यक्ति कहता है कि आज तो मैं टसल में ही रह गया, मेरा मन कुछ लगा नहीं, योग में मेरी स्थिति हुई नहीं, तो आप देखेंगे कि वो कुछ और देख रहा था, चित्र वो भी देख रहा था, वो शिव बाबा का, परम धाम का, अपने स्वरूप का चित्र न देखकर वो भी दूसरे दूसरे चित्र देख रहा था। तो भटकना भी जो है वो चित्र से कनेक्टेड है और स्थित होना भी जो है वो चित्र से कनेक्टेड है। अगर इस सिद्धांत को हम ठीक तरह से समझ लें और उसका प्रयोग करने लगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे योग में बहुत सहायक हो सकता है। लेकिन ये सब बातें हमें मालूम होने के बावजूद भी बाबा जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, बाबा की अव्यक्त वाणियां पिछली भी हम उठाकर अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि अपने रूप से कोई कमी उनमें नहीं है। जो हमें मार्ग प्रदर्शन प्रदर्शन मिलनी चाहिए, गाइडलाइंस डायरेक्शन मिलनी चाहिए, पुरुषार्थ के लिए जो उपाय साधन बताने चाहिए, वो इतने सूक्ष्म है। क्या हमारी स्थिति हो, जो हमारा लक्ष्य हो वो क्या हो, कहाँ हमें पहुंचना है, वो भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। बच्चे मनसा सेवा करो, परिष्कार रूप बनो, लाइट और माइक बनो, मूर्ति कला को प्राप्त करो, और ये समय कितना कम है, आपका मुख भी सेवा करने वाला हो, आपकी दृष्टि भी सेवा करने वाली हो, ऐसा समय आएगा जबकि लोगों को ज्ञान देने का टाइम भी नहीं होगा, इतनी भीड़ आकर होगी, और उस टाइम फिर आपकी दृष्टि से ही जो आपका मैसेज मिल जाए, आंखों आंखों के इशारे से कोई बात हमारी समझ जाए। तो ये कैसे हमारी स्थिति का बाबा ने चित्रण किया है कि कैसी स्थिति होनी चाहिए, और कोई एक आध दफा नहीं बल्कि बहुत इस चीज के लिए बाबा ने काफी टाइम से हमें इस बात के लिए कहना शुरू कर दिया कि टाइम कितना कम है, और इसके लिए काफी देर से हमारी ऐसी स्थिति बनी हुई होनी चाहिए। बाद में जाके ऐसे हालात आएंगे कि फिर वो जो सामने सरकमस्टांसेस हो रहे होंगे, मन उधर बिखर जाएगा, वो सरकमस्टांसेस अपनी तरफ खींचेंगे और फिर स्थिति ऐसी प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। पहले से अगर बनी हुई नहीं होगी तो फिर ये हालत होगी, ये भी सब बाबा ने बताया हुआ है। लेकिन हम ऐसे फैक्टर्स को सोचना चाहते हैं कि क्या कारण है कि बाबा ने तो इतनी ऊंची स्थिति बताई हुई है और हमारी उतनी ऊंची स्थिति योग की, वैसी हमारी स्टेज जो बाबा ने बताई है वो क्यों नहीं हो पाती, उसका कारण क्या है। जैसे कहते हैं कि कारण को जाने बिना निवारण नहीं होता, या किसी का काज ना मालूम हो तो उसको रूट आउट नहीं किया जा सकता।
संपूर्णता है उसको हम सामने रखें, उसकी बजाय जो हमारे बहन भाई हैं, चाहे वो वरिष्ठ भाई बहन हैं, सीनियर हैं, चाहे हम शरीक हैं, चाहे आज आए हुए नए हैं, चाहे पुराने हैं, उनकी स्थिति को जब हम देखते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे हमारे जीवन में हल्कापन आ जाता, पुरुषार्थ हमारा कम हो जाता। एक व्यक्ति कोई 20 साल से ज्ञान में है लेकिन किसी ने हमें उसके विषय में बताया जो उस व्यक्ति में अभी तक भी क्रोध है या किसी ने किसी और प्रकार से देह अभिमान है, उसके जीवन का कोई ऐसा इवेंट हमने खुद देख लिया जिससे हमने महसूस किया कि इतना समय पुरुषार्थ करने के बाद भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं, तो उसको देखकर अलबेलापन, आलस्य या जो स्पीड में कमी है कि जैसे और चल रहे हैं हम भी कोई किसी से पीछे तो है नहीं, आखिर बाबा ने सबको ले चलना है, कोई सिर्फ अकेले मुझे ही तो नहीं जाना परमधाम में या वैकुंठ में, जाना तो सारे परिवार को है, जब तक सब तैयार नहीं होंगे मैं अकेला जाना भी क्या करूंगा वहां जाके कोई वहां मैं अकेला तो बाहर फोड़ूंगा नहीं जैसे कहा जाता है, तो वो जो सबके साथ सो मेरे साथ उस बात को सोच करके वो कहते ना हमारा यारा दोजख हमारा यारा बहिष्ट, एक फारसी की कहावत है कि जाएंगे अगर दोजख में तो भी दोस्तों के साथ जाएंगे, बहिष्ट में जाएंगे तो भी दोस्तों के साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाने का फायदा रहता, नरक में भी जाएंगे तो दोस्तों के साथ जाएंगे, कोई तो साथी चाहिए ना वहां, तो वो जो एक दूसरों को देखते हैं हम पुरुषार्थ की कमी, चाहे हमको एक हमारा कॉन्शियस प्रोसेस वर्क न करता हो, जानबूझ के हम ऐसा न सोचते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे हमारे जीवन में अलबेलापन, आलस्य या पुरुषार्थ की कमी का कम रफ्तारी आ जाती, जिसको बाबा कहते हैं हियर नो इविल, इन फालतू बातों को मत सुनो, हम जो बैठ के इन किस्म की बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, डिटेल में जाते हैं, नोट करते हैं और रुचि लेते हैं कई दफा, तो वो बड़ी घातक है, बहुत हार्मफुल है, वो हमारे लिए विष का काम करते हैं, घातक है। तो ये जो एक बात है कि हम दूसरों को कंपेयर करते हैं, बाबा ने कहा है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर अपना अपना अलग स्थान रखता है, उसका पार्ट भी अलग है, एक नहीं मिलता दूसरे से, इतनी वैरायटी है इस संसार में, चाहे वो जिसको लोग आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं तो भी वो आइडेंटिकल नहीं होते सही मायने में, कहने मात्र आइडेंटिकल होते हैं, तो एक जब दूसरे से नहीं मिलता हाउ कैन वी कंपेयर आवर सेल्फ विद अदर्स, वो अपना पार्ट कर रहा है, उसकी अपनी स्थिति है, मैं उसको उसी तरह से उसको फॉलो करने की कोशिश करूं, मैं तो उसका फॉलोअर थोड़ी हूं, मुझे तो फॉलो करना है शिव बाबा को या किसी एबीसी को, तो ये तो बात हम भूल जाते हैं, मुझे लगता है बाबा की जो बहुत सारी मुरलियां हैं कि बच्चे अलबेलापन या आलस्य, इस पर कई बाबा की वाणियां चली हुई हैं, आपको मालूम होगा, लेकिन उसमें से एक ये जो बात है खास मैंने देखा है कि जब हमारा ध्यान इस तरफ जाता है कि और भी अभी कौन सा पूर्ण हुआ है, किससे भूल नहीं होती, बल्कि अगर हमें कोई कह भी देता है, वार्न भी करता है कि आपकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, तो हम कहते हैं भला किसकी ठीक है वो बताओ, जब सभी थोड़ा बहुत घनचक्कर में पड़े हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं भी हुआ तो मुझे क्यों एक्सेप्शन टू द रूल आप समझते, सभी सभी दाल भात में सब गले हुए दाने हैं, मुझे आप अलग करने की कोशिश क्यों करते, तो उसका हम बल्कि बड़ा जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एक ऐसा विचार है कि ये जो बात हम अपने दूसरों के साथ कंपेयर करके और उसको उसको अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें ये महसूस नहीं होता कि इससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं, ये हमारे स्पीड को हमारी प्रगति को कम करता है, हमें उस स्पीड में जाने नहीं देता। अगर हम ये समझें कि हम करके दिखाएंगे, हम बाबा के नंबर वन बच्चे बनेंगे, जिसको बाबा कहते हैं जो उठे सो अर्जुन, ऐसा पुरुषार्थ मैं करूंगा, एग्जाम्पल बनूंगा, बाबा ने जैसे कहा है कि एग्जाम्पल बनो और सैंपल बनो, तो ये तो बाबा ने नहीं कहा कि ए या बी या सी को आप फॉलो करो, आप उसके फॉलोअर बन जाओ, तो ये एक कमी हमारे जीवन में आ जाती है। दूसरा मैं ये देखता हूं कि हमको जो कहा जाता है दिव्य गुण धारण करो, लाइफ में वैल्यूज को अडॉप्ट करो, मानवीय मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, डिवाइन वैल्यूज हैं, ये जो गुण हैं दैविक गुण, इनको अपने जीवन में लाओ। तो कई दफा हम दिव्य गुणों के प्रयोग में एक दिव्य गुण को दूसरे दिव्य गुण से लड़ा देते और उसमें धोखा खा जाते,
जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आपको ये मालूम है कि महात्मा गांधी को मर्डर किया गया था, किसी ने पिस्तौल से मारा था उसको। महात्मा गांधी प्रेयर सभा में गए थे लोगों को एड्रेस करने के लिए और नाथूराम गोडसे ने उसको पिस्तौल से मार दिया। नाथूराम गीता पढ़ता था, महात्मा गांधी भी गीता पढ़ते थे, दोनों की गीता में बड़ी अटूट श्रद्धा थी। और आपको मालूम है गीता के जो दिव्य गुणों की वर्णन है, एक अध्याय उसमें आसवी लक्षणों का और दैवी लक्षणों का है, उसमें अहिंसा का बहुत वर्णन है। क्षमा करनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, दूसरों के प्रति दया भावना होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि गुण बताए हुए हैं। तो गीता पाठी होने के बावजूद भी उसने हिंसा की, जबकि महात्मा गांधी इस बात को कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। वो तो उससे अहिंसा की बात उठा रहे थे। और नाथूराम गोडसे, उससे लोगों ने बाद में प्रेस वालों ने पूछा कि आप भी गीता पाठी हो, गीता को बहुत मानते हो। उसने कहा कि जब उसको सजा मिली फांसी की, तो उसने कहा कि मुझे डर नहीं है। लोगों ने पूछा कि क्यों? डर तो हर एक को होता है जब ये शरीर उसे तो क्रोध के लिए वो बताएगा कि इस समय क्रोध करना जरूरी क्यों था।